ना पता नहीं क्या किसी बस 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 ठीक है बस पानी रखना चलो एक्सीडेंट हुआ कितने घायल थे कितने रेफर किए गए यहाँ कोई 30 पेशेंट यहाँ टोटल सुने हैं कि घायल हो गए थे पर यहाँ पे हमारे पास 24 रिपोर्टेड हैं तो रेफर हमने कोई 11 किए हैं आज आप यहाँ पे आए हैं हमारे इलाके में जी चला में कोई जग था तो वहाँ जो नीरूबाई हमारी पंचायत है वहाँ से कुछ लोग वहाँ गए थे तो वो महिंद्रा पिकअप थी जिससे वो वापस आ रहे थे वो गाड़ी स्किप कर गई जिसमें से 24 जो पेशेंट थे जहाँ जिन्होंने यहाँ हमारे कसौली हॉस्पिटल में रिपोर्ट की और उसमें से जो 11 थे जिनको हमने GMC रेफर किया था और बाकी यहाँ पे स्टाफ तकरीबन टाइमली यहाँ पे पूरा था उन्होंने उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की और उनको तीन एम्बुलेंस में भेज दिया। आज जो ये बड़ी दुखद सी समाचार जो आया जो हमारे कशीड़ एक हमारा गाँव है द्रमन पंचायत के अंदर ही आता है हट उसकी पंचायत है उसमें एक जग था जग का आयोजन हुआ था चला के पास उस चला में जो हमारा जग खा के जो लोग वापस लौट रहे थे और उस आते समय कुछ एक महिंद्रा पिकअप थी जिसका ये जिसमें कुछ वहाँ के सवारियाँ सवार थी जो श्रद्धालु वहाँ पे गए थे खाने के लिए और एक गांव में होता है कि भाई इकट्ठे बैठ जाते हैं तो इकट्ठे बैठने की वजह से किसी की नेग्लिजेंस नहीं इसमें कही जा सकती क्योंकि एक जग था और एक भगवान का कार्य था उसमें आ रहे थे आते ही वो गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और नीचे गिर गई है वो अपर कशीड़ में है जिसमें जो मैक्सिमम बंदे पाए गए हैं वो वार्ड नंबर 5 और 4 के हैं वो अपर कशीड़ के जो जानने में आए हैं और एक तो आज मैं सराहना करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारे जो हमारे सब बसोली जो हॉस्पिटल उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों की
आप देखा कि हमारे ADC साहब भी वहाँ पे मौके पे पहुँच चुके थे और उन्होंने पूरे इंतज़ाम जो थे कर रखे थे, और हमारे जो BMO साहब हैं, हमारे डॉक्टर विनोद हैं, उन्होंने भी अपना पूरा इंतज़ाम, अपने पूरे डॉक्टरों की टीम, हमारे BMO साहब ने, मैडम ने अपनी टीम जो थी वो पहले तैयार कर रखी थी ताकि ज़्यादा डिले नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात अचीवमेंट है कि ज़्यादा डिले नहीं हुआ, और जिसमें से अभी ये सुनने में आया कि जो 30 के करीब घायल थे उसमें से 23 को जो है वो यहाँ पे लाया गया है और 11 को जो है थोड़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज हैं वो शिफ्ट की हुई हैं। तो मैं ऐसे इस इंतज़ामिया की तरफ से भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना इंतज़ाम कर रखा था कि ताकि लोगों को किसी भी असुविधा जो थी वो नहीं हुई। धन्यवाद।